आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। भाजपा में बगावत के सुर, टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी बने अनिल कुमार गुप्ता। गाजीपुर के जमानिया नगरपालिका परिषद यानी निकाय चुनाव में नामांकन के साथ ही दल बदल व बगावत का खेल शुरू हो चुका है। लंबे समय से लगे अनिल कुमार गुप्ता को भाजपा से टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों में भी असंतोष है। निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार गुप्ता ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। नगरपालिका परिषद जमानिया में हो रहे चुनाव में अब दल बदल व पार्टी से बगावत का खेल शुरू हो गया है। लंबे समय से पार्टी के साथ तन मन धन से लगे रहने वाले सक्रिय कार्यकर्ता अनिल कुमार गुप्ता को टिकट न मिलने से जहां एक तरफ निराश हुए, वहीं बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाने वाले रहमतुल्ला उर्फ बाबू भाई के चेहरे फूले नहीं समा रहे। शुक्रवार की शाम बुद्धिपुर मोहल्ला स्थित शाहकुआ के पास एकता लॉन में आयोजित कार्यक्रम में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी फैजान वारिस खान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी परवेज खान की मौजूदगी में अपना समर्थन दिया, जिसके बाद परवेज खान ने फैजान वारिस खान को बसपा की पगड़ी और माला पहनाकर पुरजोर ढंग से गले लगाया और बसपा प्रत्याशी रहमतुल्ला उर्फ बाबू भाई और फैजान वारिस खान का हाथ मिलवाया। इस अवसर पर फैजान वारिस खान ने कहा कि नगरपालिका परिषद के हो रहे चुनाव में तन मन के साथ बसपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करूंगा तो अधिक मतों से जीत भी दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि बसपा उम्मीदवार रहमतुल्ला उर्फ बाबू भाई नेक दिल इंसान होने के साथ नगर में विकास कराने की अच्छी सोच रखते हैं। परवेज खान ने उपस्थित समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि मैदान में जितने प्रत्याशी सिर्फ हल्ला मचाने के लिए है, बसपा प्रत्याशी की लड़ाई किसी से नहीं है। बसपा को छोड़ अन्य प्रत्याशी सिर्फ मतदाताओं को झूठा आश्वासन देने में माहिर है, इसलिए किसी अन्य प्रत्याशी के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के रूप में जयप्रकाश गुप्ता अपने ही वोटरों से लड़ रहे हैं। खान ने कहा कि बसपा के उम्मीदवार के आगे सभी प्रत्याशी फ्लॉप साबित होंगे। तबरेज खान ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के आगे अन्य प्रत्याशी बौने साबित हो गए हैं, इसलिए सभी समर्थकों तथा मतदाताओं से अपील की जाती है कि नगर में विकास की किरण फैलाने के लिए रहमतुल्ला उर्फ बाबू भाई को अधिक मत देकर जीत दिलाए। इस अवसर पर बसपा प्रत्याशी को समर्थन देने वाले निर्दलीय प्रत्याशी फैजान वारिस खान, उनके भाई रिंकू खान, मुमताज वारिस खान, फेहान वारिस खान, इम्तियाज वारिस खान, जावेद वारिस खान, जिया वारिस खान, नवाब वारिस खान, सद्दाम वारिस खान, फरहान वारिस खान के साथ उस्मान राइन, मुख्तार राइन, वसीम राइन, मास्टर जमील खान, कासिम खान, काजिम खान, जमाल मंसूरी, बेलाल मंसूरी, मेराज मंसूरी, जावेद खान सहित धनंजय मौर्य, मेराज हसन, लक्ष्मण राम, मुन्ना शाह, आजाद राइन, एजाज राइन, व्यास मुनी राम, दिनेश जालान, मुबारक मंसूरी आदि सहित सैकड़ों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता व समर्थक शामिल रहे। आजाद न्यूज के लिए गाजीपुर से ब्यूरो चीफ सलीम मंसूरी की रिपोर्ट।